अंधेरा कायम रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुझे हुआ क्या। भाई मौका ही ऐसा है, आज हमारे लाइव टुडे की न्यूज़ रूम में आए हैं सुरेंद्र पाल जी, जिन्हें आपने न जाने कितने ही धारावाहिकों में, न जाने कितनी ही फिल्मों में देखा होगा। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज वो हमारे लाइव टुडे की न्यूज़ रूम में आए हुए हैं। आज उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिर्फ द्रोणाचार्य ही नहीं एक वो किरदार था जिससे आपको पहचान मिली, और भी कई सारे किरदार थे। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो द्रोणाचार्य जो किरदार है, आज हर जगह आपको, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो, लोग आपको द्रोणाचार्य के किरदार के रूप में, लेकिन द्रोणाचार्य के अलावा और कौन सा ऐसा किरदार रहा आपके जीवन में जिसने, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं लाइव टुडे के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, सुरेंद्र पाल सिंह का। और यदि मैं महाभारत की भाषा में कहूँ तो यही कहूँगा कि मेरे सभी अर्जुनों को आयुष्मान भव। हाँ। अब आपने ये बात पूछी है तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे महाभारत का जो किरदार था द्रोणाचार्य का, वो मेरा सबसे फेवरेट रोल रहा है और सबसे प्रिय रहा है, दर्शकों के बीच में भी सबसे ज़्यादा प्रिय रहा है। लेकिन उसके अलावा भी मैंने कुछ बहुत सारी ऐसी भूमिकाएँ की हैं जो द्रोणाचार्य से हटके किए हैं, और जिसमें मैंने शक्तिमान किया था मुकेश, उसको कौन भूल सकता है सर। आज जो 90s के दौर में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसने शक्तिमान को देखा है और आपको देखा है, वो किरदार शायद कोई नहीं भूल सकता सर। किलविश का अंधेरा, अंधेरा कायम रहे हमेशा। नहीं बना पाओगे तुम, कभी नहीं बना पाओगे तुम, कभी नहीं बना पाओगे। बनाऊंगा शक्तिमान, जरूर बनाऊंगा, ये मेरे पापों का क्षेत्र है, यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, उन्हें कमजोर होना ही होगा, और जैसे जैसे कमजोर होती जाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, वैसे वैसे तुम अंधेरे के करीब आते जाओगे, बहुत ज्यादा अंधेरे के करीब। नहीं, शक्तिमान, छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ो शक्तिमान को, नहीं, शक्तिमान, छोड़ उसे। तुम मेरे आत्मविश्वास को कभी नहीं तोड़ पाओगे कमराज किलमिश, कभी नहीं तोड़ पाओगे किलमिश। तुम्हारा आत्मविश्वास टूट कर रहेगा शक्तिमान, टूट कर रहेगा। सर ये जो आपने अभी जो करके दिखाया, इसमें कितनी एनर्जी लगती थी, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा कलाकार हूँ तो उसकी, मतलब उसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वो उस रोल के लिए, तो वो किस तरह से आती थी? इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बात कही है कि शक्तिमान वाला जो रोल था वो मेरे लिए बिल्कुल एक चुनौती के रूप में था। और अगर 10 धारावाहिक नॉर्मल, जिसे कहते हैं सोशल, आप सीरियल कर सकते थे, और एक किलविश का रोल करना वो इक्वल था, 10 के बराबर में एक था। अब आप पूछोगे कि उसमें ऐसा क्या चीज़ थी कि आपको 10 सीरियल नॉर्मल धारावाहिक कर सकते थे और एक किलविश करना। किलविश के लिए बहुत ताकत लगती थी, स्ट्रेंथ लगती थी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी। उसका जितने डायलॉग्स थे वो कोई नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल आदमी नहीं था, क्योंकि वो एलियन था, वो एक दूसरे ऐसे देश का आदमी था जिसको लोग जानते नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जब भी वो कोई बात करता था तो वो पूरी ताकत लगा के बात करता था, शक्तिमान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जो एक एक डायलॉग बोलने के लिए जो एक ताकत चाहिए थी वो किलविश के अंदर थी। और जब मैं पूरा दिन जब उसको शूट करता था, और जब उसको बंद उसमें अंधेरे कमरे में और उसके सेट पे करता था, तो मेरी पूरी एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाती थी और मैं पूरी तरह से ड्राउंड हो जाता था। जैसे कहते हैं ना पूरी बैटरी चार्ज थी और पूरी बैटरी जो है बिल्कुल डाउन हो गई है, बैटरी लो हो जाती थी, उस वक्त मेरा हाल वही हो जाता था। और उस धारावाहिक को करने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, और मैंने लगाई तो वो दर्शकों में नज़र भी आई, और बच्चों में तो स्पेशली आज भी
जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो वहाँ बच्चे मुझे यही कहते हैं कि आप किलविश का डायलॉग सुनाइए और किलविश, और एक्चुअली जो शक्तिमान था और किलविश था वो दोनों ऐसे थे, कैरेक्टर थे कि ना किलविश शक्तिमान को मार पाता था और ना शक्तिमान किलविश को मार पाता था, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। नहीं बना पाओगे तुम, कभी नहीं बना पाओगे तुम, कभी नहीं बना पाओगे। बनाऊंगा शक्तिमान, जरूर बनाऊंगा, ये मेरे पापों का क्षेत्र है, यहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, उन्हें कमजोर होना ही होगा, और जैसे जैसे कमजोर होती जाएंगी तुम्हारी आत्मशक्ति, वैसे वैसे तुम अंधेरे के करीब आते जाओगे, बहुत ज्यादा अंधेरे के करीब। नहीं, शक्तिमान, छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़ो शक्तिमान को, नहीं, शक्तिमान, छोड़ उसे। तुम मेरे आत्मविश्वास को कभी नहीं तोड़ पाओगे कमराज किलविश, कभी नहीं तोड़ पाओगे किलविश। तुम्हारा आत्मविश्वास टूट कर रहेगा शक्तिमान, टूट कर रहेगा। जैसे तेलुगु में बोलता था, दासा पापुपु व्रतनी मानी अतने के अतने प्रायश्चितम चेस्कुन्नी, फिर मैं भोजपुरी में बोलता था, मैं बोलता था डर लगा था तो अपने बचुआ के अपने अचरुआ में छिपाई ले, ए खानदान की इज्जत बचावे वाला राम भद्री काफी बड़े। तो इस तरह के डायलॉग होते थे मेरे साथ, और मैं सभी डायलॉग, जैसे राजस्थानी में मैंने अभी, मेरी इन दिनों चल रही है फिल्म, बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, नानी बाई बायरो मायरो, और उसमें मैं कहता हूँ सारंग धर नाम है मारो, जहाँ भी जाऊँ अशांति कर दूँ। तो लैंग्वेजेस बहुत सारी करने को मुझे मिली हैं, और मैंने सभी लैंग्वेज में काम किया है और सभी लैंग्वेज को इन्जॉय किया है। भारत की मैं हर भाषा का बहुत सम्मान और मान सम्मान करता हूँ, लेकिन तनिक मुझे अधिक प्यार है अपनी भोजपुरी भाषा से, क्योंकि मैं उसी देश का आदमी हूँ, बनारस का हूँ, और मेरे माताजी और पिताजी यही भाषा बोलते रहे हैं, घर में भी वही बोलते रहे हैं भोजपुरी। तो लेकिन मेरे ऊपर कभी भोजपुरी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं, लेकिन मैं बहुत ही फर्राटे से भोजपुरी बोलता हूँ। राजस्थान, मैंने एक चीज़ और देखी है कि भोजपुरी के साथ साथ आपका लगाव राजस्थान की जो रीजनल फिल्में हैं उनसे भी काफ़ी लगाव, उसका मतलब ऐसा क्यों सर? जी, जी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थानी फिल्में जो हैं काफ़ी उनका स्तर नहीं उठ पाया है, और बाकी सभी भाषाओं में सब फिल्मों का स्तर बहुत उठा है, राजस्थानी फिल्मों का स्तर नहीं उठा है। मैंने एक कोशिश और प्रयास किया है मैंने उसके स्तर को उठाने के लिए, क्योंकि उसमें हिंदी फिल्म के कोई एक्टर काम नहीं करते हैं राजस्थानी फिल्म में, और मैंने उस स्तर को उठाने के लिए अभी दो फिल्में मेरी रिलीज़ हुई, नानी बायरो मायरो और हीरोपंती, जो कि काफ़ी अच्छी चली है, हीरोगिरी जो बहुत अच्छी चली हैं और बहुत अच्छे स्तर पे बनी है। मैंने वही कहा ना, जब अच्छे कलाकार भी काम करेंगे तो प्रोड्यूसर को भी मज़ा आता है काम करने के लिए, और वो भी बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने के लिए मिल रहा है, और दे फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। अच्छा, तो सर रीजनल सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज इनका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है सर, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो इसमें आपको अभी कौन सा ऐसा सिनेमा है जो आपको लगता है कि हाँ ये, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अभी बाहुबली जिसने काफ़ी अच्छी कमाई की, तो उसके अलावा और कौन सा ऐसा सिनेमा है जो आपको लगता है कि वो ग्रो कर रहा है या ग्रो कर सकता है या बॉलीवुड को टक्कर दे सकता है? मेरे से जीवन में एक ही गलती हुई थी कि जब मुझे बाहुबली के लिए रोल ऑफर हुआ था तो उस वक्त मैं वो रोल नहीं कर पाया, जो भी कारण रहा हो, जिस कारणवश मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन एकमात्र कलाकार था बम्बई का जिसको ऑफ़र आया था और वो रोल मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। लेकिन सर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे वो कौन सा रोल था जिसमें हमारे दर्शक आपको देख पाते? हाँ, नेचुरली वो कटप्पा का रोल था। और वो फर्स्ट चॉइस जो थी वो डायरेक्टर की मेरे ऊपर ही थी, और
मुझे ही उन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया वो रोल। उसका मुझे दुख है। राजमौली साहब ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, उनके ही प्रोडक्शन वालों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, नेवर, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, पता नहीं। कहते हैं ऐसे तो शोले में बहुत सारे किरदार थे जो उनको गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, शत्रुघ्न सिन्हा थे, डैनी थे, उन लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन वो रोल इतना पॉपुलर हो जाएगा उसके बारे में किसी को पता नहीं था। हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, हम ये नहीं कहते कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम भी इंसान का रूप हैं और ईश्वर का रूप नहीं है। गलतियां नहीं हो तो फिर इंसान नहीं है, लेकिन हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम गलतियां ना करें, और जीवन में हम कोशिश ये करें कि हम कभी किसी का नुकसान ना करें, कभी किसी के साथ चीट ना करें, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करें। अगर हम ये सब चीज़ काम नहीं करेंगे तो जीवन में, मैं इतना बता दूँ, आप हमेशा तरक्की ज़रूर करेंगे। हाँ, भले ही आप मंदिर कम जाएं, मस्जिद कम जाएं, लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो आपको ईश्वर आपका बहुत साथ देता है। दिस इज़ व्हाट आई फील, और मैं यही महसूस करता हूँ। और मैं सभी अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अपना जीवन जितना भी हो सके सादगी के साथ जिए और ईमानदारी के साथ जिए, ईश्वर आपका साथ देगा। तो अभी चर्चा को रखेंगे जारी, अभी रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए, फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आज सुरेंद्र पाल जी, जिनसे आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई वो कौन कौन सी थी और किस तरह से वो आज यहाँ तक पहुँचे। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, जो द्रोणाचार्य का जो किरदार आपको मिला वो तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस महाभारत में और ऐसा कौन सा किरदार था जो आप निभाना चाहते थे, जो अगर आपको मिलता तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से निभाते? शिवम, मैं इस बारे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेरे सामने ऑप्शन नहीं था, क्योंकि महाभारत की पूरी कास्टिंग हो चुकी थी जब मुझे बुलाया था। तो मैं तो उस दिन घर में सो रहा था अपने बैठा हुआ, उसी वक्त गोपी पेंटल जी, जो जिन्होंने मामा शकुनी का रोल किया था, उन्होंने मुझे अचानक फ़ोन किया और कहा कि एक रोल बचा हुआ है महाभारत में। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि महाभारत इतनी बड़ी हिट होगी या कभी इतना बड़ा वो होगा। हम तो सिर्फ वैसे ही मिलने चले गए थे गोपी साहब से, और उन्होंने हमें जाके बड़े चोपड़ा साहब के सामने, बीआर चोपड़ा साहब के सामने खड़ा कर दिया था। और चोपड़ा साहब ने मुझे देखते ही कहा था कि ये रहा मेरा द्रोणाचार्य, क्योंकि उनको जो पर्सनालिटी चाहिए थी वो कौरवों और पांडवों से स्ट्रांग आदमी चाहिए था, जिसकी आवाज़ में दम हो, जिसकी आंखों में दम हो, और जो बिल्कुल टाइगर की तरह चलता हो, शेर की तरह हो। और शेर जी जो है वो बच्चों को, शेर के बच्चों को पाल सकता है। तो हमें गुरु का रोल के लिए बहुत स्ट्रांग आदमी चाहिए, और उनको वो चीज़ें मेरे अंदर दिखीं, और जिसके लिए उन्होंने, मैंने तो उनसे ये भी कहा कि बड़े चोपड़ा साहब से कि देखिए, मैं तो विलेन के रोल करना पसंद करता हूँ, आप मुझे कहाँ ये पॉजिटिव रोल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो या क्या नहीं करना चाहते हो, मुझे तुम सर से पांव तक द्रोणाचार्य के रूप में ही दिखते हो और तुम द्रोण ही बनोगे। और अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में कुछ चीज़ें भी जो हैं द्रोणाचार्य जैसी ही होती चली जा रही हैं, और मेरा स्वभाव भी काफ़ी कुछ नर्म, डोसाइल, हम्बल, पोलाइट, कुछ ऐसा ही होता चला जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे विलेन के रोल मिलने बंद हो गए, बहुत अच्छे अच्छे रोल आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भूमिकाएं भी आती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अभी इस 30 साल तक द्रोणाचार्य के लेके और देवों के देव महादेव तक, प्रजापति दक्ष के रोल तक, मैं आज भी बहुत बिजी हूँ। और अभी मेरा आने वाला धारावाहिक है सोनी टीवी पर, पृथ्वी बल्लभ, जिसका प्रोमो इन दिनों चल रहा है, वो 20 जनवरी से 9:30 बजे सैटरडे संडे को आएगा। और मुझे याद है कि मैं इस बार भी दर्शकों को निराश नहीं करूंगा। सर, द्रोणाचार्य से एक चीज़ याद आती है कि मैं भी कलाकार हूं छोटा मोटा, तो मैंने भी एक बार द्रोणाचार्य, आप ही के पुत्र अश्वत्थामा का किरदार किया था। अच्छा, जी अश्वत्थामा। जी जी, तो उसमें एक डायलॉग था कि माँ, तुमने मुझे आटे के घोल की जगह विष क्यों नहीं पिलाया, मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने,
पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्तां में क्यों घोला, ये मेरा, मैं आपको सर मन से बताऊं, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है। आपका महाभारत के दौरान फेवरेट डायलॉग कौन सा था वो हमारे जरा दर्शकों को भी आप सुना दीजिए एक बार। ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि में खड़े हैं और दुर्योधन कहता है कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तो आचार्य द्रोण को बहुत गुस्सा आता है और तब वो कहते हैं, अपनी नाद की आँच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूँ। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। क्या बात है सर, ये जो जोश और जो ये जो आपका जुनून, जो आपकी इंटेंसिटी है, वही हमारे दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है आपको। सर बातें तो काफ़ी लंबी चल चुकी हैं लेकिन अब आप ये भी बता दी कि आपके जो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को पता चले। हाँ, मेरी अभी एक फिल्म लखनऊ में ही मैंने शूटिंग की है, भू माफिया, जो बहुत जल्दी आने वाली है। और मैंने मेरा जो दो शो अभी चल रहे थे स्टार प्लस पे, जाना ना दिल से दूर और क्या कसूर है अमला का, सोनी पे मैं बताई चुका हूँ, पृथ्वी बल्लभ आ रहा है, बहुत अच्छा शो है। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वॉर के ऊपर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर इतना सुंदर धारावाहिक कभी नहीं बना। मान्य खेत कला और संगीत जिसका धर्म था, अब युद्ध और नफरत ही बना कर्म है। साक्षी रहा मैं राजगुरु विनय आदित्य परिवर्तित मान्य खेत का, जूझता रहा मैं इस राज्य के बदलते परिवेश, खो गया मेरा मान्य खेत युद्ध के भवर में और खो गई मेरी मासूम शिष्या और पुत्री समान मृणाल प्रतिशोध की लहर में। मृणाल ही है वो जो फिर से मान्यखेट का इतिहास दोहराएगी, मृणाल ही है वो जो उन खूबसूरत पलों को बटोर कर लाएगी। और इसमें जो बेटी का रोल कर रही है मृणाल, सुनारिका भदौरिया, जिसने पार्वती का रोल किया था, उसमें भी मेरी बेटी बनी थी देवों के देव महादेव में, और यहाँ पे भी वो, यहाँ मैं गुरु बना हूँ उसका। और गुरु और शिष्य की परंपरा जो है फिर से महाभारत के बाद 31 साल के बाद फिर से एक बार लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें इस बार इतना है कि वहाँ अर्जुन नहीं होगा, यहाँ मेरी बेटी खड़ी होगी मृणाल, और यहाँ गुरु खड़ा है उसके सामने आदित्य, योगी आदित्य नहीं। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी। हम उम्मीद करते हैं कि सर आपको दर्शकों का प्यार आगे भी मिलता रहेगा और पृथ्वी वल्लम में भी आपको दर्शकों का भरपूर प्यार मिलेगा। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शिवम यादव, लाइव टुडे।